करेंगे आपके सामने यहां पर अर्न वाले फीचर पर मैं क्लिक करूंगा। अभी देखते जाओ नीचे यहां पर अप्लाई रीअप्लाई पर क्लिक करूंगा मैं। ये क्या चैनल मोनेटाइज हो गया, यहां पर लिखकर आ गया नारायण भक्ति सागर यू आर नाउ पार्टनर प्रोग्राम यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, बड़ा बड़ा लिखकर आ गया है, लेट अस गो पर क्लिक कर देंगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके चैनल पर आ गया है रियूज कंटेंट और आपको रियूज कंटेंट हटाने का पता नहीं है कि कैसे क्या करना होता है, हटाने के लिए क्या क्या काम करना होता है ये बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में टाइम तो देना पड़ेगा, 4-5-10 मिनट की जो भी ये वीडियो बनेगी उस वीडियो में आप पूरा पूरा अगर टाइम दोगे तो आपके चैनल से रियूज कंटेंट एटलीस्ट हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रियूज कंटेंट एक ऐसी माइनर सी लाइन है, एक छोटी सी लाइन है कि इस पार आ गए तो रियूज हट गया, इस पार चले गए तो रियूज आ गया, तो ये लाइन क्रॉस ना करनी पड़े और बच के रहना चाहिए। तो कैसे रहोगे और क्या आप अपने चैनल को अब दोबारा से मोनेटाइज कर पाओगे या नहीं, इस वीडियो में आपको समझा दूंगा और कर भी पाओगे। देखो कुछ टॉप टॉप बातें मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप चैनल पर आए हो और वीडियो आपको देखने का मन करता है यूट्यूब पर, यूट्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक प्रॉब्लम की सलूशन इस चैनल पर आपको मिलेगा। अब आपको एक बात और बता दूं कि कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर ये करने वाला हूं, जो पॉइंट आपको जानना चाहिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जैसे एक चैनल है आपका, उस चैनल पर आपने अपनी वीडियो डाल रखी है 10 वीडियो, ठीक है, और दूसरे की वीडियो डाल दी है 10-15 वीडियो लग, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा जब तक आप वो दूसरे वाली वीडियो डिलीट नहीं करोगे। नंबर दो, अगर आप डिलीट करने से डरते हो बचते हो तो आप प्राइवेट कर देना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि प्राइवेट वीडियो मोनेटाइज नहीं होता है, यूट्यूब चेक करेगा प्राइवेट वीडियो को भी? बिल्कुल यूट्यूब चेक करेगा, लेकिन यूट्यूब ये भी देखेगा कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है, क्योंकि आपका जो वॉच टाइम काउंट होता है वो सिर्फ पब्लिक वीडियो से काउंट होता है, राइट। तो जब पब्लिक वीडियो से आपका वॉच टाइम काउंट होता है तो प्राइवेट वीडियो यूट्यूब क्यों देखेगा? क्योंकि अगर आप प्राइवेट वीडियो को दोबारा पब्लिक करोगे जब मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, तो फिर से रियूज आ जाएगा, तो यूट्यूब तो ये देखेगा ना। इस लॉजिक के साथ आप काम करिए, तो प्राइवेट कर देना वीडियो को। अब आप प्राइवेट करना नहीं चाहते हो, डिलीट करना नहीं चाहते हो, फिर आप सोच रहे हो मोनेटाइज हो जाए, तो ऐसे में मोनेटाइज नहीं होगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, प्राइवेट या डिलीट। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि मैं अप्लाई कर दूं कैसे करूं, मोनेटाइज कैसे होगा और मोनेटाइज होने के बाद क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अप्लाई करने के लिए अब आप आगे वीडियो देखिए पूरी, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा वीडियो के बाद में। तो दोस्तों अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, आपको यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक एक चीज सारी चीजें बताऊंगा, इस चैनल पर आपको लेकर चलूंगा। अभी सबसे पहले यहाँ पर मैं चैनल को ओपन करूंगा, और चैनल को ओपन करने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक किया है, क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैनल के लिए, आपका चैनल मोनेटाइज करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा अर्न वाले टैब पर क्लिक करके, तो जब मैं अर्न वाले टैब पर क्लिक करूंगा वो आपको अभी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए इस चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हैं, आप देख पा रहे होंगे इस चैनल पर सब्सक्राइबर 43,000 से ज़्यादा। और यहाँ पर आप देखिए अर्न वाले फीचर पर मैं क्लिक करूंगा अभी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, अब मैं अर्न वाले फीचर पर क्लिक करता हूँ, एक करके अर्न वाले फीचर पर यहाँ पर मैंने क्लिक किया आपके सामने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर रियूज्ड आया हुआ है, प्लस रियूज्ड आने के बाद आप यहां पर रीअप्लाई का देख सकते हैं, एक रीअप्लाई आया हुआ है, रियूज्ड आया हुआ है। और यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आप यहां पर आप देखिए किस तरीके से आप यहां पर देखिए आप YouTube कहता है क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, डू और डोंट, दोनों में से जो करना है एक काम करना होता है एक काम नहीं करना होता। चार ऑप्शन होते हैं जो कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, 2-स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए और कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए। शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इससे कोई बेनिफिट है नहीं। ओवरव्यू पर हम दोनों क्लिक करके अब हम यहाँ पर आपको आपके सामने सारी चीज़ें दिखाएंगे एक एक करके। अभी आप देखिए यहाँ पर वीडियो मेरी प्राइवेट है, जो विजिबिलिटी है वो प्राइवेट में जा रही है वीडियो बहुत सारी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोस्टली वीडियो नीचे मैंने प्राइवेट कर रखा है मैंने। आप यहाँ पर देखिए ये वीडियो मेरी प्राइवेट है, और इस वीडियो को प्राइवेट होने के बाद फिर हमने प्राइवेट किया है रिसेंट में, वीडियो वो प्राइवेट करनी है जिस वीडियो पर आपकी वैल्यू ना हो, वैल्यू मतलब आपकी आवाज़ ना हो, आपका फेस ना हो, या फिर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल दिए, तो उस वीडियो को प्राइवेट करना है। लाइव आपको मैं दिखाऊं, लाइव पर क्लिक करता हूं, यहां पर आप लाइव वीडियो मेरी देख सकते हैं। लाइव वीडियो में देखने के बाद आपको मैं बताता हूं क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आप कर लेना। लाइव वीडियो में यहां पर आप देखिए ये मोस्टली वीडियो मैंने यहां पर प्राइवेट कर रखे, लाइव वीडियो जैसे एक ही टाइप की बार बार वीडियो चल रही हो, मतलब लगातार चल रही हो, तो उस वीडियो को मैंने प्राइवेट कर दिया है।
प्लस लाइव वीडियो में मुझे जो डाउट लग रहा था कि इसमें किसी और ने भी डाल रखा होगा, स्ट्रीम कर रखी थी मैंने, वो सारी वीडियो मैंने हटा दी है। जैसे स्टेज प्रोग्राम होता है, इस टाइप का कोई प्रोग्राम होता है, तो वो सारी वीडियो मैंने हटा दी है और प्राइवेट ही किया है। प्राइवेट करके फिर हम अप्लाई करेंगे आपके सामने। यहाँ पर अर्न वाले फीचर पर मैं क्लिक करूँगा, अभी देखते जाओ नीचे, यहाँ पर अप्लाई रीअप्लाई पर क्लिक करूँगा। अब मैं अर्न वाले फीचर पर आने के बाद रीअप्लाई पर क्लिक कर चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। ये मैं यहाँ पर क्लिक करके अब मैं आपको अभी वेट करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या हुआ है। माय डियर फ्रेंड, आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए बस आप एक सेकंड का वेट करिए, मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ। चैनल अभी हम ओपन करेंगे दोबारा से। कल हमने अप्लाई किया था, आज 11 तारीख है और 10 तारीख को अप्लाई किया था। अब मैं यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता हूँ और यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। और ये क्या, चैनल मोनेटाइज हो गया, यहाँ पर लिखकर आ गया नारायण भक्ति सागर यू आर नाउ पार्टनर प्रोग्राम, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, बड़ा बड़ा लिखकर आ गया है। लेटेस्ट गो पर क्लिक कर देंगे और मोनेटाइज होने के बाद क्या काम करना होता है जो आप देख सकते हैं सामने। मोनेटाइज होने के बाद यही सारे काम करने होते हैं जो अभी काम करूँगा, मैं आपको बताऊँगा एक एक चीज़ें। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऐड ऑन कर लेना होता है, अपनी सभी वीडियो पर ऐड ऑन करना होता है। ऐड ऑन करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने ऐड ऑन कर रखा अपनी हर एक वीडियो पर, चाहे प्राइवेट है या पब्लिक है, सभी वीडियो पर ऐड ऑन कर दो। और मेरे हिसाब से तो आप प्राइवेट पर ऑन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो व्यू जाएगा नहीं उस पर, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप पब्लिक की हुई वीडियो पर ऐड ऑन कर देना। यहाँ पर आपको एक काम करना होगा, सारी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा एक बार में, फिर एडिट पर क्लिक करना होगा, विजिबिलिटी मोनेटाइजेशन पर क्लिक करना होगा। मोनेटाइजेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑन पर क्लिक करना होगा, इस पर क्लिक करके और अपडेट वीडियोज पर क्लिक कर देना होगा। वीडियोज पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और सारी चीज़ें बड़े आराम तरीके से आसानी से, यहाँ पर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और आपको भी यही काम करना है जो मैंने स्टार्टिंग में अभी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया अप्लाई कैसे करना है, अपील वीडियो आया था एक ऑप्शन, अपील इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, प्लस रीयूज्ड आया है तो रीयूज्ड मोनेटाइज हो गया, ये आपने देख लिया। मोनेटाइज क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने वीडियो को प्राइवेट कर रखा था। लाइव वीडियो जैसे कि स्टेज प्रोग्राम होता है या फिर आप कहीं गए जहां म्यूजिक चल रहा है, कुछ ऐसे शोबाजी चल रहा है, तो उस वीडियो को प्राइवेट कर देना। प्राइवेट करने से आपकी वीडियो पर मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए रेडी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने आई थिंक अब समझ ली होगी और अब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं मिलूंगा कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।